आज के टाइम में 90% लोग हैं दमे की सांस की बीमारी से परेशान है। सांस की दिक्कत लगभग सभी को है। 90% लोग ऐसे हैं कहीं ना कहीं सांस की दिक्कत है। आखिर क्यों है? एक तो हमारा खान पान बदल गया, दूसरा हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन इतना है, दूषित हवा में सांस लेने की वजह से सांस में प्रॉब्लम रहती है। सांस में प्रॉब्लम फेफड़ों से शुरू होती है, हमारे लंग्स से। तो उससे जो लोग परेशान हैं और दवाई करा करा के थक चुके हैं, उनके लिए मैं आज एक ऐसी जड़ी बूटी बताने जा रहा हूं जो फ्री में आपका इलाज करेगी, बिल्कुल फ्री में और नेचुरल तरीके से। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसको जो पुराने से पुराना दमा या अस्थमा की प्रॉब्लम है वो 6 महीने खा करके अपने आप को फिट कर सकते हैं। इसका असर तो एक हफ्ते में या 4-5 दिन में ही पड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से फिट होने के लिए आपको 6 महीने दवाई लेनी पड़ेगी। और ये दवाई कुछ भी नहीं है, कोई गोली नहीं, कोई कैप्सूल नहीं है, ये आपका सिर्फ एक जड़ी बूटी है जिसको दमा बूटी या अस्थमा बूटी के नाम से जानते हैं। नाम फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग बार बार कमेंट में यही करते हैं कि नाम नहीं बताया, तो नाम पहले देख लें, दमा या अस्थमा बूटी ये पत्ता है इसका, पहचान कर लें। ये बेल होती है इस तरह की। और दूसरी पहचान इसकी और बता दूं आपको, इस तरह के गुच्छों में फूल आते हैं, पिंक कलर के फूल, इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। किसी नर्सरी में यहाँ वहाँ नहीं मिलेगा ये आसपास सड़क किनारे कोई जंगल है उसमें ये पाया जाता है और सालों साल इसकी बेल चलती रहती है। इसमें एक फल लगता है और वह मदार का फल जो होता है तिकोना, समोसे की तरह से वैसा ही फल इसके अंदर लगता है, लेकिन उतना मोटा नहीं, उसका 1/4 फल इसमें लगता है। तो ये पहचान देख लें। अब पहचान आपने देख लिया, अब मैं इसको खाना कैसे है, कब खाना है, कितना खाना है और इसको अगर टहनी मिल जाए तो अपने घर में कैसे लगा सकते हैं ताकि इस बीमारी से अपने घर के सदस्यों को, चाहे बूढ़े हों, जवान हों या बच्चे हों, सभी को आप फिट रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। नाम आपने देख लिया, अब इस्तेमाल देखिए। ये इस तरह के मैच्योर पत्ते, अगर बड़े पत्ते मिल जाए, बिल्कुल किनारे के पत्ते आपने नहीं लेने, मैच्योर नहीं है ये पत्ता, जो नीचे का होता है जो मैच्योर हो चुका है, इस पत्ते को आप लेना है। अगर इस साइज का पत्ता आपको मिलता है तो मात्र 2 पत्ता, ये देखिए, ये 2 पत्ता लेना है आपने। पानी में इस तरह से हल्का धो लेना है कि इसका असर जो है वो खत्म ना हो। पानी में धोने का मतलब है कहीं धूल मिट्टी है तो वो धूल मिट्टी आपकी हट जाएगी। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका जो है बेहद ही आसान है। बेहद आसान क्यों है? ये 2 पत्ता आप लेंगे और ठीक वैसे ही जैसे पान की दुकान पे जाते हैं, वो लगा के कत्था बत्था और दुनिया जान की चीजें आपको दे देता है, वो कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ 2 पत्ता आपने, अगर इतना बड़ा है तो 2 लेना है, इससे छोटा हो तो 3 या 4 ले सकते हैं। बच्चा है तो उसका तरीका मैं अलग बताऊंगा, ये मैच्योर आदमी के लिए, बुजुर्ग के लिए है। तो इस तरह से लेकर के ये देखिए, काली मिर्च, हम सब के घरों में ये काली मिर्च होती है। काली मिर्च के 4 दाने लेने हैं आपने, ये देखिए, गिनती के 4 दाने लेने हैं और इसको पान की तरह से रैप करना है, ऐसे ये पान की तरफ से रैप करके ये मुंह में आपने रख लेना है और मुंह में इसको चबाते रहना है, धीरे धीरे इसका रस अंदर चूसते रहना है। बाकी का जो बचेगा वो आप बाहर निकाल देंगे। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा घबराहट हो रही है या चक्कर आ रहा है, शुरू में जब लेंगे तो ऐसा महसूस होगा, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है आपके जीवन में। बिल्कुल सांसों से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी वो बिल्कुल फिट कर देगा, कफ नजला जो गिरता है उसको भी फिट कर देगा। तो एक तरीका दोस्तों ये है, इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। बच्चे अगर ना लें तो दूसरा तरीका जानिए। दूसरा तरीका क्या करना है आपने, इन पत्तों को लेना है, जैसे कि 2 पत्ते मैच्योर लिए हमने और धो लिया, इसको क्या करना है, काट के हल्का हल्का कूट लेना है और लगभग 3 से 4 मिनट पानी में, गर्म पानी में किसी पतीले में बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपका ये काढ़ा तैयार हो जाएगा, इस तरह का कलर इस तरह का आ जाएगा, ये काढ़ा तैयार हो जाएगा। इसको गर्मा गर्म फूक फूक के धीरे धीरे पिए। तो ये बड़े भी ले सकते हैं और बच्चे भी ले सकते हैं। बच्चों की क्वांटिटी बच्चों के हिसाब से रखें, छोटे बच्चे हैं तो 1 ही पत्ता सफिशेंट है। अगर ऐसे नहीं लेते हैं तो आप दूध में भी बॉयल करके दे सकते हैं। तो किसी तरह से बच्चे के अंदर जाना चाहिए, ये सर्दी जुखाम और निमोनिया की शिकायत बच्चों में होती है, ये सब दूर करेगा आपके बच्चे का। तो ये ध्यान से देख लें, इस तरह का काढ़ा या फिर ये तरीका जो है ऐसे ले सकते हैं। नहीं मिले, जैसे कि
एक बार मिल जाए तो इन पत्तों को क्या करना है, आपने इसको रैप करके और फॉइल जो एल्युमिनियम फॉइल होता है उसमें रैप करके फ्रिज में रख लें, तो ये हफ्ता 10 दिन तक आपका चलता रहेगा। अगर रोज रोज ताज़ा लेना संभव ना हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये लेने का तरीका था, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहेगा। अब लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। जैसे आप देख रहे हैं बरसाती सीजन आ रहा है आपका, बरसाती सीजन में कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वो लग जाता है। तो इस तरह की टहनी ले लें आप, और ये देखिए जहाँ से थोड़ा मैच्योर हो वहाँ से कट करिए। ये जो गांठ है जहाँ पत्ते हैं उसके नीचे से कट करेंगे ये ऐसे, और इसके पत्ते आप ऑलमोस्ट झाड़ लेंगे ऐसे, क्योंकि इसके ऊपर लोड ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इसका टिप है, ये भी कट कर देंगे। अब ये आपने क्या करना है, ये नोड और ये नोड, यहाँ से इसकी रूटिंग आएगी, मतलब जड़ निकलेगी। तो एक गमला लो सिंपल मिट्टी में, कोई खास नहीं करना, इसके अंदर एलोवेरा लगा ले तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो आपने सीधा सीधा इसको ऐसे अंदर कर देना है कि ये दो नोड जो है हमारा मिट्टी के अंदर चला गया। और इसको पानी डाल दें, पानी इतना डालना है कि इसमें मॉइस्चर बना रहे। छाए में रखिए 10-12 दिन, ये पौधा आपका पनप जाएगा। एक पौधा जैसे देखिए ये कितने ही इसके अंदर से ब्रांचेस निकल गई हमारी, सिर्फ एक पौधे की। तो इसी तरह से ये पौधा फैलता है, ये मरता नहीं है कभी, ये सालों साल चलता रहेगा, इसके अंदर से फुटाव बढ़ता रहेगा। और इसकी टहनियों से आप पौधा तैयार करके अपने प्रिय मित्रजनों को, रिश्तेदारों को दे सकते हैं, या जो कोई इस बीमारी से सफर कर रहा है दें।